अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी पास्ता स्टिक्स। ये बहुत इजी, बहुत क्विक और सब लोगों को पसंद आने वाली रेसिपी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए पास्ता बॉईल कर लेते हैं। और पास्ता बॉईल करना तो आई थिंक सब लोगों को ही पता है कि क्या करना होता है, लेकिन सबसे पहले पानी लेंगे हम हाफ पैन और उसमें हम हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देंगे और उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसको फिर हम बॉईल होने के लिए पानी को जरा कवर कर देंगे। जब पानी ये बॉईल हो जाएगा फिर हम इसमें पास्ता डाल देंगे और फिर हम पास्ता को बॉईल करेंगे। जी तो व्यूअर्स देखें, पानी हो रहा है बॉयल। अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता टू कुक फॉर लाइक 5 to 7 minutes। तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून और उसमें हम थोड़ी सी अनियन डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब और इसको हमने सॉटे करना है। और जो ही हमें लगे कि ये सॉफ्ट हो गई है अनियन, तो हमने इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है तकरीबन अ पिंच। ये हमने इसमें डाल दिया जीरा हमने इसको बहुत लाइट सा ब्राउन करना है, ज्यादा जलाना नहीं है हमने इसको। इसमें हमने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल देना और हमने इसमें डाल देना है, हमें इसमें 1/2 टीस्पून डालना है ब्लैक पेपर पाउडर और हमने इसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून ऑरिगानो और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि इसमें जो हमने टमाटोज चॉप करके इसमें डाले हुए हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और इसका एक पेस्ट सा बन जाए। हमने इसको ऐसे कवर करके रख दिया। अब हम 5 to 7 minutes में हम बस चेक कर लेंगे कि टमेटोज सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। देखिए बस ये जो टमेटोज हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमने उसको हल्के हाथों से जरा चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर देना है साथ साथ और हमने इसके पानी के खुश्क होने का वेट करना है, बिकॉज हमने ये पास्ता के ऊपर अप्लाई करना है तो हम इसको लिक्विड ही नहीं रख सकते। देखिए पास्ता भी बॉइल हो गया, हम इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं। होता है हमारा असेंबलिंग का काम शुरू। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया और उसके ऊपर हमने ये जो पास्ता हमने बॉइल किया हुआ है उसको हमने ऐसे सेंटर से इसके अंदर पिरो लेना है, देखिए ऐसे।
जी तो व्यूवर्स, ये जो हमने पास्ता बॉईल किया हुआ था इसको हमने ऐसे स्क्वायर्स में पिरो लेना है। जी तो व्यूवर्स, इसको ऐसे उठा के ये जो हमने पास्ता सॉस बनाई है इसको इसके ऊपर ब्रश कर देंगे अच्छे तरीके से। इसको दूसरी साइड से भी ब्रश कर देंगे। पास्ता सॉस हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और हमने फ्लेम नीचे से ऑन कर दिया है हल्का सा, ताकि बस हमारा जो पैन है वो गर्म हो जाए और इसके ऊपर हम ये चीज़ ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। जिसको ज़्यादा चीज़ पसंद हो वो ज़्यादा भी डाल सकता है और जिसको थोड़ी पसंद हो वो थोड़ी, लेकिन चूंकि ये बच्चों के लिए ज्यादा हेल्दी चीज होती है तो अब हमने चीज इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब हम इसके ऊपर ओरिगानो और जो रेड चिली फ्लेक्स है उसके बस हम उसको स्प्रिंकल करेंगे। ये ओरिगानो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करने लगे हैं, ये हमने स्प्रिंकल कर दिया। अब हम इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये बहुत मजे का चीजी, थोड़ा सा स्मोकी और बहुत मजे का एक, आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हो। इसको एज अ प्ले है कि हमारी चीजी पास्ता स्टिक्स रेडी हुई या नहीं। वाव, लुक, इसकी जो चीज है वो भी मेल्ट हो गई है। पास्ता तो ऑलरेडी डन था और पास्ता सॉस भी फुली कुक था लग रहा है और ये बहुत डिलीशियस लग रहा है और बहुत एपेटाइजिंग भी लग रहा है, आंखों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को तो ये चीज यकीनन बहुत ज्यादा पसंद आएगी और उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमारी चीजी पास्ता स्टिक्स रेडी हो गई है। वेरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम टोमेटो पास्ता में डालते हैं और बट आप इसको डिफरेंट वे में सर्व करके ऐसे बच्चों के लिए भी ज्यादा आई कैचिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा और वह ज्यादा शौक से खाएंगे। जी तो व्यूवर्स, देखिए हमने टोमेटो पास्ता को टू वेज में सर्व किया है। आप इसको एज अ होल मील भी खा सकते हैं, आप बच्चों को इसको जस्ट एज अ स्नैक भी दे सकते हैं और इंटरेस्टिंग वे में आप उनको सर्व करेंगे तो वो भी ज्यादा खुश होंगे और खुश होके खाएंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आप इसको ट्राई करेंगे और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। साइमा अली की तरफ से अल्लाह हाफिज़।